हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शक्तिपीठ माता धूमावती की जयंती बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ पांवटा में मनाएगी। इस अवसर पर मंदिर कमेटी की ओर से जागरण का आयोजन किया गया। माता धूमावती की जयंती के शुभ अवसर पर वन परिवहन एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने माथा टेका और माता के जयकारे का आनंद लिया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शक्तिपीठ माता धूमावती की जयंती बड़ी हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर कमेटी की ओर से जागरण का आयोजन किया गया और श्याम फ्रूट कंपनी सब्जी मंडी कांगनी की ओर से विशाल लंगर का आयोजन किया गया। माता धूमावती की जयंती के शुभ अवसर पर गोविंद ठाकुर वन परिवहन एवं खेल मंत्री ने भी अपना माथा टेका और माता के जयकारों का आनंद लिया। इस मौके पर ठाकुर ने इको टूरिज्म के तहत 10 लाख और 25,000 धूमा देवी ग्राउंड को 4 लाख देने की घोषणा की। इससे पहले गोविंद ठाकुर का लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और मंदिर कमेटी अध्यक्ष जालम सिंह ठाकुर ने माता की चुनरी और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर हजारों लोगों ने मंदिर में अपनी हाजिरी भरी। कार्यक्रम में वक्त हो गया ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।